हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग टाटा इलेक्सी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी के अंदर कौन सा पॉसिबिलिटी बन रहा है और करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो करंट चार्ट आप यहां पे देख सकते हैं, कंपनी ने अपने करंट चार्ट में एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन तैयार कर रहा है, मगर यहां पे कंपनी का जो पहले मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी का जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 3565 के आसपास, और अगर उसे तोड़ दे 3390.15 के आसपास, उसके बाद कंपनी का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है मेजर रेजिस्टेंस वो है 3890 के आसपास, उसे अगर तोड़ दे तो 4090 के आसपास कंपनी का मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो कंपनी यहां पे एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, यानी कंपनी का यहां पे बहुत अच्छे तरीके से एक्युमुलेशन स्टार्ट हो रहा है। कंपनी का शेयर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है या जो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो अभी यहाँ पे एक्युमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे कंफर्म करने के लिए हम लोगों को दो तीन चीज एक बार देखना होगा। ये तो कंपनी का डे का चार्ट पैटर्न है। हम लोग अगर वीकली चार्ट को देखें तो वीकली में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अपने वीकली जो चार्ट है वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट का फॉर्मेशन किया है, यानी कंपनी के देखिए यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन पीरियड था, पिछले चार हफ्तों से कंपनी एक कंसोलिडेशन पीरियड में था, उसके बाद जो पिछले कई दिनों के कंसोलिडेशन पीरियड है या रेजिस्टेंस है उसे तोड़ने के बाद ऊपर जाके क्लोज किया है। उसके साथ कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देखें तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर डे के चार्ट में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कंपनी का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कंपनी का जो मूवमेंट वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने इससे पहले बहुत सारे चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आपसे कहा है कि कंपनी के कोई भी प्राइस चार्ट में अगर देखें कंपनी का जो वॉलिटिलिटी है वो कम हो रहा है और उसके साथ कंपनी का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कंपनी के अंदर एक्युमुलेशन स्टार्ट है। जो बायर है वो बाय करना चाहता है मगर सेलर अभी सेल नहीं करना चाहता है, अपना शेयर होल्ड करके रखना चाहता है। तो वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। वीकली चार्ट में आप देखिए कंपनी का जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो पिछले हफ्ते से ज्यादा है और यहाँ पे कैंडल भी बिग क्रिएट किया है। कंपनी के यहाँ पे वॉल्यूम इतना था मगर यहाँ पे जो कैंडल है वो इसका साइज देखिए, मगर यहाँ पे वॉल्यूम इतना कम है मगर पिछले हफ्ते से ज्यादा है, मगर इसका जो जो कैंडल है वो देखिए वो कितना बड़ा है, यानी इतने कम वॉल्यूम में अगर कंपनी इतना बड़ा कैंडल क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे शेयर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इस टाइप का प्राइस एक्शन एक कंफर्मेशन देता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे ब्रेकआउट भी दे सकता है। मंथ ऑन मंथ के अगर हम लोग चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिल जाता है, मगर यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है वो 4090 के आसपास। इसके साथ कंपनी के अगर और एक चार्ट पैटर्न को देखें, देखिए यहाँ पे कंपनी का चार्ट पैटर्न एक ट्रायंगल को क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे कंपनी का शेयर यहाँ से गिरा था, उसके बाद एक वेव क्रिएट किया, उसके बाद ये वेव छोटा होता जा रहा है, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को आप फॉलो कीजिए, वॉल्यूम धीरे 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 कम होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, यानी जो स्ट्रॉन्ग हैंड से वो वीक हैंड से अपना शेयर खरीद रहा है। यहाँ पे हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस और कुछ देर तक और एक वेव क्रिएट करे और ऊपर इस रेजिस्टेंस यानी 3890 के जो रेजिस्टेंस है इसे तोड़ के यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले, मगर यहाँ पे अगर सपोर्ट ना लेके कंपनी का शेयर प्राइस विथ हाई वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम लोगों के लिए एक बाय सिग्नल होगा, और जब ये ब्रेकआउट दे तब 3890 के बाद से आपको 10-15% तक अपना टारगेट रखना है, और उस बीच में अगर कभी भी आपको हाई वॉल्यूम के साथ कोई बिग कैंडल दिखे ऐसे टाइप का तो आपको वहां से एग्जिट लेना है। उसका सिर्फ यही मतलब है कि जो स्विंग ट्रेडर्स है वो अपना शेयर्स वीक हैंड को ट्रांसफर कर रहा है, या जब भी आपको कोई बिग कैंडल ऐसा रेड में दिखे तब भी आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। उसका सिंपली ये मतलब हो सकता है कि कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर कंसोलिडेशन पीरियड में जा सकता है या कुछ देर तक नीचे आ सकता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट अगर नहीं भी करता है कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से थोड़ा गिरने के बाद ये सपोर्ट तक आता है तो यहाँ पे भी हम लोग एक्युमुलेट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के अंदर एक्युमुलेशन स्टार्ट है। और भी दो कंफर्मेशन हम लोग यहाँ पे लेंगे। देखिए कंपनी के जो पिछले दिन का डिलीवरी था, देखिए 47% के आसपास कंपनी के पिछले दिन का डिलीवरी था,
अगर वीकली एवरेज देखे तो 39.7 जो वीकली एवरेज है उससे कहीं ज्यादा है कंपनी का पिछले दिन का डिलीवरी। उसके साथ अगर कंपनी के एक मंथ का हम लोग डिलीवरी परसेंटेज देखे तो 42.7% यानी एवरेज जो परसेंटेज है डिलीवरी का उससे कहीं ज्यादा है कंपनी के जो पिछले दिन का डिलीवरी था। उसके साथ अगर हम लोग निफ्टी आईटी को देखें, निफ्टी आईटी देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे साथ मैंने विप्रो के वीडियो में आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट पैटर्न है ये एक ब्रेकआउट दे सकता है, तो मैंने वहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करके भी आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी आईटी का जो कैंडल है वो ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके सपोर्ट लिया था। उसके अगले दिन निफ्टी आईटी का जो प्राइस है वो कितना ऊपर ओपन हुआ, तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट किया है और निफ्टी आईटी में भी अच्छा खासा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। और अगर कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हम लोग बात करें तो फंडामेंटल के बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, 2 महीने पहले मैंने बनाया है और उसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप आई बटन से भी जाके देख सकते हैं। और उसके साथ कंपनी का अगर हम लोग क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखें तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आप देखिए कि ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन कर पाएगा, इसके पीछे जो रीजन है कंपनी का फंडामेंटल। क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी हद तक ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज किया है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। तो फंडामेंटल के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप फंडामेंटल वाला वीडियो जरूर देखिए, ऊपर आई बटन पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुद्दा मामला ये है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं या आप नीचे गिनने के लिए, इस सपोर्ट तक गिनने के लिए वेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे ओवरऑल एरिया एक एक्युमुलेशन का एरिया है, यहाँ से आप तुरंत एक ब्रेकआउट आशा नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है या कुछ नेक्स्ट वीक भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप यहाँ से एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक बात कह दूँ, करेंटली जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है, तो जब भी एक पेसिमिज्म क्रिएट हो मार्केट में कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो गिर रहा है, तब कंपनी के शेयर में आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना है, क्योंकि मेजर अगर फॉल दिख रहा है आपको वीकली चार्ट में और मंथ के चार्ट में, तो तब आपको कंपनी के शेयर को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री करेंटली बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे है। मगर बात किया जाए टाटा एलेक्सी के फ्यूचर के बारे में तो फ्यूचर का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा खासा है, और फ्यूचर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है और कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप फंडामेंटल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो मैंने जब बनाया था तब मैंने बोला था कि कंपनी के शेयर को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आपका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ सकता है, तब प्राइस चल रहा था 2800 के आसपास 2 महीने पहले। और उसके साथ कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का जो अपॉर्चुनिटी था वो भी मैंने डिस्कस किया था 2 महीने पहले, तब भी हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया होगा मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो है वो देखने के बाद। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है, वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नया अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। वीडियो के बारे में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो या अगले आने वाले टाइम पे आप नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।